हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम सेवेंथ क्लास मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 8 के ए और बी पार्ट को सोल्व करेंगे। एट्थ क्वेश्चन के ए पार्ट में भी स्टूडेंट्स आगे दो पार्ट्स हमें गिवन हैं, तो पहले हम ए का फर्स्ट पार्ट सोल्व करेंगे। प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स सच दैट 2/3 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर एक एम्प्टी बॉक्स है यानी कि खाली बॉक्स दिया हुआ है, इज इक्वल टू 10/30। इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स कि हम 2/3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें 10/30 मिल जाए। अब हम इसको यहां पर सोल्व करेंगे। सबसे पहले हमने लिखा 2/3 मल्टीप्लाई बाय, यहां पर ये एम्प्टी बॉक्स बनाया। अब देखिए स्टूडेंट्स, न्यूमरेटर में हमें चाहिए 10 और यहां न्यूमरेटर में है 2, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि आपको 10 मिल जाए। इसके स्टूडेंट्स हम आपको दो तरीके बता रहे हैं। यहां पर आप ये फ्रैक्शन का साइन बना लीजिए। अब 2 को आप डायरेक्ट 5 से मल्टीप्लाई करें तो आप जानते हैं 2 5 द 10 होता है, तो यहां पर आप 5 लिख सकते हैं। और इसके अलावा ये पता करने का एक तरीका ये भी होता है कि आपको मल्टीप्लाई करके जो नंबर चाहिए आप इस 10 को डिवाइड कर दीजिए इस 2 से। देखिए यहां पर हमसे ये कहा गया है कि 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 10 आ जाए और 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 30 आ जाए, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 10 आ जाए। इसके लिए अगर आप इस 10 को इस 2 से डिवाइड करेंगे तो देखिए जब आप 10 को यहां पर 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 2 5 द 10 और ये पूरा कट जाएगा, तो ये आपको दूसरा नंबर क्या मिल गया, देखिए 5 मिल गया। तो यहां पर भी हमने 5 ही लिखा है, तो आप चाहे तो डायरेक्ट कैलकुलेट करके भी ये लिख सकते हैं कि 2 5 द 10 होता है तो यहां पर 5 आएगा, या फिर आपको ये नंबर चाहिए तो इसको डिवाइड कीजिए इस 2 से तब भी आपको 5 मिलेगा। तो यहां पर न्यूमरेटर में तो आपको मिल गया है 5। अब स्टूडेंट्स आपको ये भी देखना है कि 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 30 आ जाए डिनोमिनेटर में। तो हम जानते हैं कि 3 के टेबल में 30 कहाँ आता है, 3 10 द 30, तो यहां पर हम लिखेंगे 10। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि 2/3 को अगर हम 5/10 से मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलता है, 10/30 मिलता है। देखिए 2 5 द 10 एंड 3 × 10 30, तो हमें ए के फर्स्ट पार्ट का जो आंसर मिल गया है जो हमें इस बॉक्स में लिखना था वो है 5/10। अब हम ए का सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। सेकंड पार्ट में हमें गिवन है द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर ऑब्टेंड इन बॉक्स इज डैश, यानी कि ये जो बॉक्स में हमें नंबर मिला था, ये जो हमें नंबर मिला था स्टूडेंट्स 5/10, हमें इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में शो करके दिखाना है। तो इसके सॉल्यूशन में देखिए स्टूडेंट्स, हमने पहले तो ये नंबर लिखा 5/10, अब हमें इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में शो करना है। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब इसको अगर हम रिड्यूस कर सकते हैं, काट सकते हैं, तो काट कर दिखाना है। देखिए 5 और 10 आपस में सॉल्व हो सकते हैं, ये दोनों ही 5 के टेबल में आते हैं। तो देखिए 5 1 द 5, ये दोनों ही 5 से कटेंगे, 5 1 द 5 एंड 5 2 द 10। अब देखिए न्यूमरेटर में क्या बचा, 1, तो यहां पर हमने 1 लिखा। डिनोमिनेटर में बचा 2, तो यहां पर हमने 2 लिखा। यानी बॉक्स में जो हमें नंबर मिला था 5/10, उसे हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में शो करके दिखा दिया है, और सिंपलेस्ट फॉर्म में इसका आंसर है 1/2। और स्टूडेंट्स इसको आगे नहीं काटा जा सकता है, इसलिए हम 1/2 को ही 5/10 की सिंपलेस्ट फॉर्म कह रहे हैं। अब हम 8th क्वेश्चन के बी पार्ट को सोल्व करेंगे, और बी पार्ट में भी हमें दो पार्ट्स गिवन है स्टूडेंट्स, तो पहले हम बी का फर्स्ट पार्ट सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स, यहां पर एक एम्प्टी बॉक्स गिवन है हमें, सच दैट 3/5 मल्टीप्लाई बाय एम्प्टी बॉक्स इज इक्वल टू 24/75। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि 3/5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें 24/75 मिल जाए। अब हम इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले हमने लिखा 3/5 मल्टीप्लाई बाय, ये एम्प्टी बॉक्स बनाया, एम्प्टी बॉक्स मतलब ये खाली बॉक्स बनाया, इज इक्वल टू हमें क्या चाहिए, 24/75। अब हमें ये देखना है स्टूडेंट्स कि 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि यहाँ न्यूमरेटर में 24 आ जाए, और 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि यहाँ डिनोमिनेटर में 75 आ जाए। तो 3 की टेबल में 24 कहाँ आता है, 8 पर आता है, 3 8 द 24, तो यहां पर आप 8 लिखेंगे और इधर ये फ्रैक्शन का साइन बना देंगे यहां पर, ठीक है। देखिए 3 8 द 24, इसको पता करने का एक और तरीका भी है कि यहां पर क्या आएगा, आपको 24 चाहिए तो इस 24 को इस 3 से डिवाइड कीजिए। जब आप
24 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपको 8 ही मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 75 आ जाए, तो 5 की टेबल में जो 75 आता है वो 15 पर आता है, तो यहाँ पर हम 15 लिख सकते हैं। 5 इंटू 15 क्या होता है? 75। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता है कि 5 की टेबल में 75 कहाँ आता है, तो आप सिंपली क्या मेथड यूज करेंगे वो हम यहाँ पर आपको ये यूज करके दिखा रहे हैं कि आपको 75 चाहिए, तो आप इस 75 को डिवाइड कर दीजिए इस 5 से। देखिए 5 वंदा 5, 7 में से अगर आप 5 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? 2। यहां से ये 5 कैरी कर लेंगे, क्या बन गया? 25। अब देखिए 5 5 द 25 होता है, अब ये पूरा कट गया, तो देखिए यहां पर आपको क्या मिला? 15। और यहां पर भी हमने 15 ही लिखा है, तो अगर आप डायरेक्ट टेबल याद करके या टेबल की अगर आपको अच्छी नॉलेज है तो डायरेक्ट भी आप ये आंसर लिख सकते हैं कि 5 इंटू 15 75 होता है। और अगर आप चाहे तो इस मेथड से भी ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या नंबर यहाँ पर आएगा जब हमने 75 को 5 से डिवाइड किया तो हमें 15 ही मिला। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अब हम कह सकते हैं कि 3 अपॉन 5 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 8 अपॉन 15 से, तो हमें क्या मिलता है? 24 अपॉन 75 मिलता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया है 8 अपॉन 15। अब हम बी के सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। सेकंड पार्ट में हमें गिवन है द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड इन बॉक्स इज डैश, यानी कि यहां पर हमें इस बॉक्स में जो ये नंबर मिला है 8 अपॉन 15, हमें इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में शो करके दिखाना है। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब है कि इसको हमें रिड्यूस करके दिखाना है, अगर ये नंबर कट सकता है तो काट के दिखाना है। अब देखिए यहां पर न्यूमरेटर में है 8 और डिनोमिनेटर में है 15, तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं होता है स्टूडेंट्स जिसकी टेबल में 8 और 15 दोनों ही आ जाए, यानी ये दोनों ही नंबर किसी एक नंबर से नहीं कट सकते, तो 8 और 15 को आगे नहीं काटा जा सकता है। तो 8 और 15 ऑलरेडी अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो हम यहां पर कह सकते हैं कि 8 अपॉन 15 की जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो 8 अपॉन 15 ही है। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।